महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर घुमंतू समाज सेवा भारती के सौजन्य से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सेवा भारती के उत्तरी विभाग के गाड़िया लोहार समाज की तरफ से किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय घुमंतू कार्य प्रमुख दुर्गा दास ने भी हिस्सा लिया और बताया कि गाड़िया लोहार लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना धर्म बचाने के लिए इलाका छोड़ दिया। और दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जिन्होंने अपनी पूर्व में की हुई प्रतिज्ञाओं को निभाने के लिए 400 सालों तक भटकने का जीवन स्वीकार किया हो। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आए और भी लोगों ने क्या कुछ कहा है सुनिए। समाज के जो इस उत्तरी विभाग है उसके अंतर्गत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। इस आज सेवा भारती कंधावला जिला रोहनी जिला द्वारा महाराणा प्रताप जयंती वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हमने यहाँ किया है और जिसमें हमारे दुर्गा दास जी अखिल भारतीय प्रचारक हैं दुर्गा दास जी जो आज घुमंतू समाज को जो ना देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा लगा हमें। हम चाहते हैं सेवा भारती द्वारा इनके बच्चों को अभी जो हमने वहाँ केंद्र बनाया है रोहनी सेक्टर 20 में इनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए और सिलाई के लिए बेटियों की सिलाई के लिए केंद्र बनाया हमने। चाहते हैं कि इनके बच्चे भी जो ना शिक्षित हों। मैं काफ़ी दिनों से घुमंतू समाज का कार्य कर रहा हूँ। इन लोगों में जाने का मतलब है कि इन लोगों को अपने समाज के साथ जोड़ना और मूलभूत इनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। ये बहुत पुराना इनका इतिहास है लेकिन अभी हम इस समाज से उस समाज तक जाने में इनको काफ़ी समय लग रहा है। हमारे बीच में आना जाना मिलना जुलना तीर्थ त्यौहार मनाना कुछ भी नहीं हो पाता है, इसलिए हम सब लोगों ने पूर्ण संगठन ये सोचा है। आज पूरे दिल्ली प्रांत के अंदर घुमंतू समाज के लोगों ने एक महाराणा प्रताप की जयंती का मनाई। महाराणा प्रताप जयंती के अंदर इन लोग घुमंतू लोगों ने पूरे दिल्ली के अंदर इनकी बस्तियों के अंदर हम लोगों ने एक शोभा यात्रा निकालने का काम किया है। शोभा यात्रा के साथ इन लोगों के जो भी महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में हम इनको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज के दिन देश के क्षेत्रों में घुमंतू समाज तमाम कार्यक्रम को आयोजित करता है। अकेले देश की राजधानी दिल्ली में ही तकरीबन 25 अलग अलग स्थानों पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।